दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। शिक्षक भर्ती के संबंध में विधानसभा में लिखित जवाब आ चुका है, आप सबको पता है। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि सरकार के मंत्री ने ये एक्सेप्ट किया है कि पद रिक्त हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों को भी ऐड कर लेते हैं वो लोग। उस आधार पर कह रहे हैं कि हमारा जो है छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर है। मौखिक रूप में क्या कुछ इन्होंने कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा पोस्टिंग के लिए 20 लाख रुपए लेने का आरोप भी इन पर लगा है, जिसका पत्र यहाँ पर थंबनेल में लगा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और किसने ये दावा किया है कि 2027 में आने नहीं देंगे, इसकी भी हम बात करेंगे। एक एक करके सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ABP न्यूज़ पर एक पत्रकार के द्वारा इनसे शिक्षक भर्ती के लिए पूछा गया, तो उनका क्या कुछ कहना था आप खुद ही यहाँ पर सुन लीजिए। जाना चाहिए, आज शिक्षा विभाग का भी प्रेजेंटेशन है, तो क्या कुछ नई भर्तियों की उम्मीद भी अभ्यर्थी करें? देखिए, अभी इस तरह का कोई नई नियुक्ति का इस वक्त कोई प्रपोजल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई प्रपोजल होगा तो हमारे काफी सारे छात्र हैं जिन्होंने BTC पास किया है, तो सभी लोगों को मौका दिया जाएगा। और एक तरफ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अलीगढ़ से ये प्रकाशित खबर है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के गांव का प्राइमरी स्कूल हो जाएगा शिक्षक विहीन, यानी यहाँ पर शिक्षक ही नहीं रहेगा। और एक तरफ इनका ये बयान है कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो आरोप इन पर लगा है, 20 लाख रुपए लेने का जो आरोप लगा है, उसकी खबर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कानपुर से प्रकाशित है, 29 जुलाई की ये खबर है। भ्रष्टाचार के मामले में इनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये 20 लाख रुपए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन्होंने वसूली की है। क्या है पूरी खबर, इस पर हम पूरी बात करेंगे। इसके अलावा जो लेटर लिखा गया है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेवा में आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, ये मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में। इसकी पूरी हम आपको आपके साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले एक सेल चल रही है टेस्ट सीरीज की, जिसका आज अंतिम दिन है, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिना किसी टेस्ट सीरीज़ की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। कारण है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में वीक हैं। टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होता है, आपको पता चलता है आपकी रैंक, क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है, आप क्वेश्चंस का एनालिसिस कर पाते हैं। तो आप बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ के लिए यहाँ पर हम आपको रिकमेंड करेंगे टेस्ट बुक। यहाँ पर एक ऑफ़र चल रहा है, ईयरली टेस्ट बुक पास है ये 1 ईयर के लिए। इसका जो प्राइस है वो 6999 था, लेकिन अभी 28 से 31 जुलाई तक ऑफ़र चल रहा है। हमारा कोड आप लगाएंगे Vande10, इससे आपको ऑफ़र का लाभ मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज़ में, इस पास में आपको क्या क्या मिलेगा, एक पास आपको मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, आप सभी एग्ज़ाम के लिए एक्सेस कर पाएंगे। 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं 800 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चाहे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, SSC की, बैंक की, या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की, 800 एग्ज़ाम की यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध हैं। 27 लाख से ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव यूज़र्स हैं, 12 से अधिक भाषाओं में है। आप हमारा कोड यूज़ करें Vande10। अब यहाँ पर क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, सबसे पहली बात तो आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है, कहाँ पर आप फाइट कर रहे हैं। और इस मॉक टेस्ट में आपको चैप्टर टेस्ट मिलेगा, सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेगा, सब्जेक्ट टेस्ट मिलेगा, और जिस भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका कंप्लीट मॉडल पेपर यानी फुल टेस्ट भी मिलेगा। फुल टेस्ट लगाने के बाद आप चेक कर पाएंगे कि आपका वीक और स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है, और आपकी रैंक भी वहाँ पर दिखेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाई लिंक आपको मिल जाएगा। इस पत्र में कहा जा रहा है कि सादर अवगत कराना है कि आपकी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह BSA की पोस्टिंग में 20 लाख रुपए के हिसाब से वसूली करवाकर BSA बना रहे हैं। इनके इस काम में इनका सहयोग सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी अवधेश शुक्ला, जो कि बाराबंकी का रहने वाला है, आशीष गौंड, जो उनका PSO RSS द्वारा नियुक्त है, अवधेश शुक्ला द्वारा आकूत संपत्ति भी अर्जित की गई है। इनके द्वारा अभी इसी वर्ष लॉ कॉलेज एवं इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोला गया है। इसके पहले डिग्री कॉलेज एवं गैस एजेंसी चल रही है। इन दोनों द्वारा मनमाने तरीके से स्थानांतरण नीति की धज्जियां उड़ाकर स्थानांतरण कर दिया गया है। जहां नीति में 20% स्थानांतरण होना था, वहीं 32 BSA का स्थानांतरण किया गया, जो 40% से अधिक है। आपके द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा आपके CM बनने से भी की जा रही है। वहीं आपके मंत्री आपके कुर्सी के नीचे ही पलीता लगा रहे हैं। बेसिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग जो एक अनुभवहीन अनुशासनहीन लापरवाह मंत्री के हाथ में देकर आपने शिक्षा विभाग को बदतर बना दिया है। हाँ, आपके एक
आईएएस विजय श्री जो विजय किरण आनंद जी हैं उनकी जरूर प्रशंसा करना चाहूँगा, जिन्होंने इस मंत्री पर नकेल लगाकर अध्यापक, अधिकारी एवं बच्चों तीनों के हित में अच्छा काम किया एवं गलत नीतियों का विरोध किया। आपको यदि यह सब बातें झूठी लग रही हों तो आप अपने बेसिक शिक्षा में निदेशक बघेल जी एवं महानिदेशक कंचन वर्मा जी को बुला के पूछ लीजिए। जिन बीएसए को विजिलेंस ने पकड़ा, जेल भेजा एवं कुछ बीएसए के बाबुओं का हाल ही में पकड़ा उन बीएसए को जिले में मोटी रकम लेके तैनाती दी गई थी। इसके उदाहरण बीएसए बांदा, बीएसए सुल्तानपुर, बीएसए महोबा और एडी बेसिक आजमगढ़। महोदय, यही सब मंत्री आपको 2027 में सरकार में नहीं आने देंगे, जो कि हमने थंबनेल में लिखा था कि कौन लोग कह रहे हैं कि 2027 में, तो इन्हीं के मंत्रियों की वजह से ये कह रहे हैं कि 2027 में आने नहीं देंगे। मंत्री पैसा वसूल रहा बीएसए बनाने के लिए, बीएसए अपने पैसे वसूल रहा जो दे के आया है, बीएसए की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मंगा लेना। आप सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले नीचे के 10 जिले के बीएसए को क्यों नहीं बदला गया, क्योंकि मोटा पैसा दे के रुकवा लिया गया अपना ट्रांसफ़र। यही आपके मंत्री का पैसे वाले के साथ पैसे वालों का ही विकास बेसिक शिक्षा में हो रहा है। अंततः यही कहना है आपसे कि मेरी लिखी सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं, चाहे आप इसकी गोपनीयता जांच करा लें। व्यक्तिगत आप जैसे सीएम का शुभचिंतक हूं, इसलिए पत्र लिखा हूं। सत्यनारायण सिंह ये एडवोकेट हैं प्रयागराज से, इन्होंने मुख्यमंत्री साहब को 19 तारीख को ये पत्र लिखा था और इसकी प्रतियां मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक, इन सबको भेजा है। इसको लेकर के समाचार पत्र ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। ठीक है, जो बड़े बड़े चर्चित समाचार पत्र हैं वो ऐसी खबरें बहुत कम छापते हैं जो सरकार की फजीहत कराएं। ठीक है, तो ये स्वराज इंडिया कानपुर सिटी का अखबार है, इसमें भी इसको छापा गया है, यूपी में पैसे लेकर बीएसए की पोस्टिंग वायरल। पत्र में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप, जीरो टॉलरेंस की नीति के मामले में फंस सकते हैं कई मंत्री, योगी सरकार की गिरा रहे छवि। जिस पत्र की हमने बात की है उसी खबर को यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये शिक्षक भर्ती को लेकर के घिसा पिटा बयान दे रहे हैं, छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर कर रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है, किस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है और वैकेंसी को लेकर के निर्णय कौन लेगा, क्या शिक्षा मंत्री निर्णय लेंगे या फिर सीएम निर्णय लेंगे, इसको लेकर के जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।